फ्रेंड वेलकम टू जीबी टेक जोन। मेरा नाम राकेश और आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसमें इलेक्ट्रिशियन को या जो डीजी रूम में रहता है ये जो आपका पैनल पे वोल्टेज देखता है उसको हेल्प मिलेगी इस वीडियो के साथ। तो आप देखेंगे हम कि हम आज किस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड हम आज एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये सीखेंगे हम अगर आपके सिंगल फेज में वोल्टेज 240 है तो थ्री फेज में कितना वोल्टेज होगा, जो सबका कंफ्यूजन रहता है, बेसिकली किसी को पता नहीं चलता, तो ये सीखेंगे हम। सेकंड में हम सीखेंगे कि अगर थ्री फेज में हमें वोल्टेज पता है, हमने वोल्ट मीटर पे देख लिया है या डिजिटल मीटर में देखा है, तो सिंगल फेज में कितना वोल्टेज होगा जो एंड यूजर को मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन की क्वेरी हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड इसको सीखने से पहले हम देख लेते हैं कि थ्री फेज में जो वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है और सिंगल फेज में कैसी होती है। तो थ्री फेज में थ्री फेज ही रन करते हैं तो उसका जो एंगल होता है एक फेस का वो 120 डिग्री होता है, जबकि आप देखोगे सिंगल फेस में वो 180 होता है। यहाँ पे भी 180 होता है लेकिन वो एक साइकिल पूरा करती है तब 180 बनता है, और यहाँ पे एक साइकिल पूरा करती है जब वो पॉजिटिव साइड का तब वो आपका 180 होता है। तो इसके बीच में जो एंगल होता है थ्री फेस के वो होता है 120। तो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि आपका वोल्टेज कितना होगा थ्री फेज में यदि आपका सिंगल फेज में वोल्टेज 240 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो एक वोल्टेज एक पावर निकालने का आपका फॉर्मूला होता है, पावर निकालने के फॉर्मूले से क्या होता है कि आपका हम पावर ऐसे निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला इक्वल होता है √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई आपका करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो किसी भी की पावर निकालने के लिए हमें ये तीन चीजों की जरूरत होती है, वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आप यूनिटी मान सकते हैं और √3 की एक वैल्यू होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि √3 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.732, जो सबका ही क्वेश्चन रहता है कि 1.732 कहां से आ गया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। फ्रेंड हम इसमें अब देखते हैं कि थ्री फेज में वोल्टेज कितना रहेगा अगर सिंगल फेज में 240। तो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका है जिससे आप निकाल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही आपको पता है कि हमें निकालनी है कि हमें थ्री फेज में वोल्टेज कितनी होगी, थ्री फेज में वोल्टेज कितनी होगी अगर सिंगल फेज में इतनी है, तो हमें पता है कि वोल्टेज थ्री फेज में देख रहे हैं तो ज्यादा ही होगी। ज्यादा वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है हमारी √3 की उसके साथ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिंपल जो आपके सिंगल फेज में वोल्टेज थी उसको मल्टीप्लाई किया √3 की वैल्यू से, तो आपको पता चल गया कि थ्री फेज में 415 वोल्टेज आ रही है। अब इसका रिवर्स देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या है थ्री फेज की वोल्टेज पता है कि वो थ्री फेज की जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे अब सिंगल फेज की वोल्टेज क्या होगी। यहाँ पे भी सिंपल है, वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा कि अगर हम सिंगल फेज में निकाल रहे हैं क्या वोल्टेज होगी, तो इसका मतलब वो कम होगी, थ्री फेज से कम होगी। जब कम करते हैं किसी चीज को तो हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया जो हमारी थ्री फेज में थी उसको 1.732 जो √3 की वैल्यू से डिवाइड किया तो आपकी वोल्टेज आ गई 240 वोल्ट। तो इससे आपको एक इजी रहता है कि आपके पास अगर डिजिटल मीटर पे 440 वोल्ट दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपके फ्लैट में सिंगल फेज की वोल्टेज है बहुत ज्यादा जा रही है, वो 280 वोल्ट तक हो सकती है, जो इक्विपमेंट के लिए गलत हो सकती है और वो इक्विपमेंट आपका बर्न हो सकता है। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी वोल्टेज जा रही है, वैसे तो सेफ्टी लगी होती है वो काम करती है। तो फ्रेंड आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, और फॉलो भी कर सकते हैं आप मेरा फेसबुक पेज जहाँ पर आपको अच्छी पोस्टें मिलेंगी टेक्निकल नॉलेज के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड होपफुली हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।